हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं आ गया हूँ मैटेरियल ओवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ का पाठ्य लेके। आशा करता हूँ आपने पहले दो वीडियो देखी होंगी और सब कुछ समझा होगा, तो उसी को हम आगे लेकर के चल रहे हैं। आपने जो पिछली वीडियो में देखा था उसको मैं छोटी सी कविता के माध्यम से आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में जाना था आपने पिछली बार, आओ जाने कैसे बदलते हैं इनके प्रकार। इस वीडियो में छेड़ेंगे हम टेम्परेचर प्रेशर के तार कि कैसे बदल पाते हैं वो पदार्थ के प्रकार। तो चलो शुरू करते हैं। आज पहला ही टॉपिक हमारा क्या है, चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन इन टू वेज। टू वेज का मतलब यहां पर क्या है कि यहां पर एक तापमान और प्रेशर का मुख्य रोल होता है। अब यहां पर तापमान को देखिए, तापमान क्या होता है, जो भी आपके इर्द गिर्द की ऊष्मा है, हीट इन योर इन अवर सराउंडिंग या हीट इन सराउंडिंग को हम क्या कहते हैं, तापमान या टेम्परेचर, वातावरणीय ऊष्मा। अब जो ये वातावरणीय ऊष्मा है इसका एसआई यूनिट जब बनता है तो ये टेम्परेचर कहलाता है, और इसका एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या बनता है, केल्विन, जो कि यहां पर आपको डिफाइंड है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इसे हम कितना लेते हैं, 273 केल्विन लेते हैं, जो एक्चुअल में राउंड फिगर करके हम 273.16 का राउंड फिगर करके 273 केल्विन लिखते हैं। उसी तरह से अगर हम दाब को देखें तो दाब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि एक छोटे से एरिया में, मान लो यह आपका एक छोटा सा एरिया है, आप यहां पर प्रेशर लगा रहे हैं इस तरह से, तो यहां पर जो प्रेशर होगा क्या होगा, हाईएस्ट होगा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर नीडल ही यानी कि सुई लगाते समय उसकी जो सुई होती है इतनी पतली क्यों होती है, क्यों, क्योंकि प्रेशर क्या होगा उस टाइम पे, मैक्सिमम होगा। क्यों होगा मैक्सिमम, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि जो आपका एरिया है, फोर्स अपॉन एरिया, ये इसका क्या है फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंगली आप जितना कम एरिया होगा आपका, क्योंकि जो प्रेशर है आपका वो क्या हो गया, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एरिया के, यानी कि एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो उसी तरह से जो डॉक्टर है जब आपको सुई लगाता है तो उसकी जो नीडल एक पतली किस तरह जाती है, ताकि एरिया कम से कम कवर हो और आपके शरीर में वो आसानी से एंटर कर जाए। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया टेम्परेचर क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। तो इन्हीं के बेसिस पे हम आगे शुरू करते हैं कि जो आपका तीन अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड लिक्विड गैस को हिंदी में हम बोलते हैं ठोस, द्रव और गैस। ये जो ठोस, द्रव और गैस है ये आपस में अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं, किनकी मदद से, इन्हीं तापमान और दाब की मदद से। अब देखो अगर यहां पर हम सॉलिड की बात करें तो इसमें एक प्रोसेस है जिसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब होता है हिंदी में संगलन। यहां पर आपको जो गलन का शब्द है, गलन शब्द से आप क्या समझ सकते हो कि किसी भी चीज का गलना, यानी जो ठोस है वो पिघलकर एक द्रव के रूप में बदल रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब आप तापमान बढ़ा रहे हो, जब आप टेम्परेचर रेज कर रहे हो और दाब को कम कर रहे हो, जब दाब कम करोगे और तापमान को बढ़ाओगे तो क्या होगा, जब आप तापमान बढ़ाओगे तो इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो टूटने लगेगा, और दाब क्या काम करता है, सभी जो परमाणु है या पार्टिकल्स हैं उनको इकट्ठा रखने की कोशिश करता है। लेकिन अब जब आप दाब को कम कर दोगे तो पार्टिकल्स की दूरियां इधर उधर क्या होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। तो जैसे ही आप ये प्रोसेस यहां पे अप्लाई करते हो कि टेम्परेचर को बढ़ा देते हो और दाब को कम कर देते हो, तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है मेल्टिंग। और इस मेल्टिंग के जरिए जो आपका सॉलिड है वो किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। आप यहां पर देख रहे होंगे कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं या कण हैं वो बहुत पास पास हैं, लेकिन जो उसी तरह से यहां पर द्रव के या लिक्विड के जो कण हैं वो क्या है, थोड़े दूर दूर हैं। क्यों दूर दूर हैं, क्योंकि उनके पास जो अट्रैक्टिव फोर्स है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण बल वो बहुत कम है, किसके मुकाबले, सॉलिड यानी कि ठोस के मुकाबले। अब यहां पर जो नेक्स्ट प्रोसेस है, सॉलिड जो गैस है वो किस तरह से लिक्विड से बदलता है, तो लिक्विड से गैस में बदलने के लिए एक प्रोसेस है जिसे हम इवापोरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में भी आपको क्या करना होगा, सेम काम करना होगा कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कम कर रहे हैं।
तो जैसे ही आप यही काम करते हैं फिर से वही होगा जो इसमें हुआ था, कि जो इसके पार्टिकल से इनके बीच का आकर्षण बल कम होगा, जब आकर्षण बल कम होगा तो इनके बीच का जो स्पेस होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही इनके बीच का स्पेस बढ़ेगा तो आपको क्या दिखेगा, ये जो कण है ये बहुत दूर दूर है, और किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। एक और आपके पास एक प्रोसेस है जो मैंने नहीं लिखा, अब लिख देता हूं। डायरेक्टली ये गैस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड, और जो एक सॉलिड है वो डायरेक्टली एक गैस में बदल जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब हिंदी में होता है ऊर्ध्वपातन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपके गैसियस पार्टिकल या गैस गैस वाले पदार्थ है वो सीधा ही ठोस में बदल जाते हैं, और जो ठोस वाले पदार्थ है वो सीधा ही गैस में बदल जाते हैं। आपने ड्राई आइस का नाम सुना होगा, कपूर का नाम सुना होगा। वो क्या होता है, जो ड्राई आइस है, ड्राई आइस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। जैसे ही आप इसको फ्रीज करते हो, जैसे ही आप इसको फ्रीज करते हो तो ये डायरेक्टली क्या होता है, सॉलिड में चेंज जाता है। लेकिन जैसे ही आप इसको अपने हथेलियों पे लोगे तो तुरंत ये क्या बन जाएगा, धुआं बन जाएगा, या कह लो कि गैस पदार्थ में बदल जाएगा, गैस स्टेट में आ जाएगा। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है, जो इनके बीच में जो कुछ कहानियां हैं वो आएंगी, उसको हम आगे शुरू करेंगे। हमारे प्रथम जिसके जिसमें कुछ राशियां हैं जिनके बारे में पढ़ना है, जैसे गलनांक या मेल्टिंग। गलनांक क्या होता है, जब कोई सॉलिड, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो गलनांक है वो किसी ठोस का ही होता है, किसी ठोस का गलनांक होता है, और अगर हम द्रव की बात करें तो उसका क्वथनांक होता है। यहाँ पर आपका क्या है, सॉलिड के बारे में बात करें तो गलनांक ऐसा तापमान जिस पर कोई भी ठोस द्रव अवस्था बदलना शुरू हो जाए वो उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। उसी तरह से इसी के अंदर हर एक ठोस की या हर एक पदार्थ की खुद की एक गुप्त ऊष्मा होती है, और अगर हम ठोस की बात करेंगे तो वहां पर उसको कहेंगे संगलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हर एक पदार्थ यानी हर एक ठोस की एक गुप्त ऊष्मा होती है, जिसमें कि वो जिस टेम्परेचर पर, यानी कि मान लो आपके, जैसे यहां पर हम बर्फ का एग्जांपल लिया था, जो बर्फ का एग्जांपल लिया, ये आपका बर्फ है, यहां पे मैंने इसको -2 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है, -1 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है, -3 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है, तो ये इन तीनों टेम्परेचर पर क्या रहेगा, बर्फ सॉलिड फेज में ही रहेगा, यानी कि ये कैसे रहेगा, एक ठोस अवस्था में ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं, जैसे ही मैं क्या करता हूं, 0 डिग्री सेल्सियस पे कर देता हूं, तो ये धीरे धीरे करके एक द्रव अवस्था में बदलना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हर एक पदार्थ की एक गुप्त ऊष्मा होती है, यानी कि ऐसी एनर्जी जो उसे उसी फेज में रखने के लिए मजबूर करती है। जैसे कि आप लोगों को स्कूल सिस्टम या सीबीएसई सिस्टम क्या करता है, पढ़ने पे मजबूर करके रखता है, उसी तरह से हर एक पदार्थ के पास भी क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है या ऐसी ऊष्मा होती है जहां तक उसे उसकी अवस्था को बदलने के लिए कोई भी, मतलब उसकी अवस्था नहीं बदल सकती। जैसे ही हम इसके आगे बढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, अपना वो अवस्था क्या करती है, बदलने लगती है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड से लिक्विड बदलना शुरू हो जाएगा और बदलता ही रहेगा। उसी तरह से एक और राशि है हमारी क्वथनांक या बॉइलिंग। अब ये जो बॉइलिंग है, यहाँ पर किसके लिए यूज होगी, ये यूज होगी हमारे द्रव अवस्था के लिए, यानी कि द्रव से जब आप गैस अवस्था में किसी चीज को बदलोगे तो वहां पर यूज होती है बॉइलिंग। कौन सी टर्म यूज होती है, बॉइलिंग, यानी कि इसको आप गर्म कर रहे हो और वो गैस लिक्विड अवस्था से किस में बदल रही है, गैस अवस्था में बदल रही है। ऐसा तापमान जिस पर एक लिक्विड गैस में बदलना शुरू हो जाए उसे हम उसका कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और वहां पर जब वो बॉइल होना शुरू हो जाता है तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग। जैसे कि यहाँ पे जल, जो जल है हमारा यानी पानी है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस अवस्था में बदलना शुरू हो जाएगा। किस में बदलना शुरू हो जाएगा, गैस अवस्था में बदलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर भी एक और इसके बीच में कंसिक्वेंस है कि वाष्पीकरण की भी गुप्त ऊष्मा होती है। जैसे कि हमने पिछले सॉलिड में पढ़ा था कि वहां पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, यानी वाष्पीकरण की भी गुप्त ऊष्मा होती है। अब ये गुप्त ऊष्मा क्या करती है, इसका भी सेम फंक्शन होता है कि जब तक आप 100 डिग्री सेल्सियस तक
लिक्विड के टेम्परेचर को यानी कि उसके आसपास के तापमान को 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं लेके जाते, तब तक वो जो लिक्विड है मतलब पानी जो है वो उसी स्टेट में रहेगा, और जैसे ही आप 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते हो तो गैसीय अवस्था में बदलना शुरू हो जाएगा। कुछ इस तरह से मान लो ये आपका पानी का पानी की कटोरी है जिसको आपने एक बर्नर के ऊपर रखा हुआ है, ये फ्लेम है, आप इसको गर्म कर रहे हो, गर्म करते करते आप यहां पर क्या कर रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही पहुंचोगे तो ये क्या होगा, भाप में बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर क्या होता है कि जब तक एक ऐसी ऊष्मा या ऐसा तापमान जो एक केजी द्रव को उसके क्वाथनांक पर बॉइलिंग पॉइंट पर ही क्या करे, गैस अवस्था में बदलना शुरू कर दे। इंग्लिश में अगर हम देखें तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है या आपका संगलन की गुप्त ऊष्मा है और ये आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ये चीजें क्या है, हर एक पदार्थ की अलग अलग होती है। यानी कि क्या होगा अगर हम यहाँ पर, तो हमने पानी का एग्जांपल लिया है, तो पानी के जरिए हम समझते हैं कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक आप नहीं ले जाए तापमान को तो क्या होगा, वो उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक आप 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं लेके जाते। उसी तरह से बर्फ के साथ है, बर्फ में क्या करोगे, जब तक आप 0 डिग्री सेल्सियस तक नहीं लेके जाते तब तक वो जो बर्फ है अपनी सॉलिड अवस्था में रहेगी, और जैसे ही आप 0 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करके रखते हो तो वो जल में परिवर्तित होना शुरू होता रहेगी और परिवर्तित होते रहेगी। तापमान पर आधारित आखिरी टॉपिक ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, ये क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सीधा ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं या गैस अवस्था से सीधा ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। जैसे कि यहां पर आप एग्जांपल देखेंगे, कपूर, कैम्फर या कपूर बोल दो, कपूर और नमक, नमक का जब इन दोनों के मिक्सचर को हम गर्म करते हैं, जब इन दोनों के मिक्सचर को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है कि कपूर का संगलन तापमान कम होने के कारण वो सीधा गैस में बदल जाता है और यहां पर इस तरह से जाके वो डिपोजिट हो जाता है, इस तरह से इसके सरफेस पे डिपोजिट हो जाएगा और यहां पे सिर्फ क्या बच जाएगा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा आपका, नमक यानी कि सॉल्ट। इसके बाद आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि तापमान में परिवर्तन, तापमान यानी कि आपको पता है कि जो टेम्परेचर है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। लेकिन कई जगह आप देखेंगे जीरो डिग्री सेल्सियस पे लिखा होता है, तो इनके बीच एक रिलेशनशिप है जो आपको याद रखना है कि जीरो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता है, 273 केल्विन। मान लो अगर मुझे यहां पर एक टेम्परेचर बढ़ाना है, मान लो मुझे इसे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस 273 में मैं 5 और जोड़ दूंगा और ये किस में बदल जाएगा, केल्विन में बदल जाएगा, समझ गए। उसी तरह से अगर मान लो ये केल्विन में दिया हो, जैसे यहां पर 373 केल्विन दिया है, इसे मुझे अगर किस बदलना है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको लिखूंगा 273 केल्विन और माइनस कर दूंगा 273 केल्विन, तो जो एक्चुअल होगा वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस। बस तो आज के लिए इतना ही। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो दाब है, प्रेशर है, इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि जो कण है पदार्थों के वो पास पास आने लगते हैं, तो जब वो पास पास आते हैं तो वो गैस से द्रव और द्रव से ठोस में बदलने लगते हैं। तो यहां पर एग्जांपल जो हमने लिया हुआ है, मतलब हमने लिया है ड्राई आइस का
जो ड्राई आइस है, जैसे कि मैं पहले बताया था कि ड्राई आइस है वो सीधा सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड में बदला जा सकता है। उसके बाद एक प्रोसेस है जो एक सरफेस फिनोमेना है। यहां पर पहले मैंने आपको वेपराइजेशन बोला था। वेपराइजेशन क्या होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट पर कोई लिक्विड गैस वगैरह शुरू हो जाए उसे कहते हैं वेपराइजेशन। यहां पर है इवापोरेशन। इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, सतही प्रक्रिया है जिसमें कि जो लिक्विड है वो गैसीय अवस्था बदलने लगती है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो उसका क्वथनांक है उसके नीचे ही, उससे कम तापमान पर ही वो गैस अवस्था बदलने लगती है। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारण है, फैक्टर्स हैं जो वाष्पीकरण यानी कि इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला जो कारण है या रीजन है वो क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या समझते हो कि मान लो आपके पास एक रुमाल है, आपके पास एक रुमाल है और एक बड़ी सी चादर है, ठीक है। आपने दोनों पर ही एक ग्लास पानी गिरा दिया, दोनों पर ही क्या कर दिया, एक ग्लास पानी गिरा दिया, इस पर भी आपने एक ग्लास पानी गिरा दिया। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या ये जल्दी सूखेगा या ये जल्दी सूखेगा। अब जाहिर सी बात है जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा पानी उतना ही ज्यादा फैलेगा, यानी कि उसके कण उतने दूर दूर होंगे। जब उसके कण उतने दूर दूर, जिसके कण तो पानी के कण दूर दूर होंगे तो उसका वाष्पीकरण क्या होगा, और भी ज्यादा आसान होगा। इसका मतलब जो सतही क्षेत्रफल अगर हम बढ़ाते हैं, अगर हम सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं तो जो इवापोरेशन है ये भी क्या होता है, ये भी बढ़ जाता है। उसी तरह से दूसरा जो कारण है, दूसरा जो फैक्टर है हमारा टेम्परेचर, तापमान में अंतर। यहां पर आप खुद ही समझ रहे होंगे कि जो तापमान अगर आप बढ़ाते हो, जाहिर सी बात है जो आपका इवापोरेशन वो क्या प्रोसेस है कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही जब कोई भी द्रव गैसीय अवस्था बदलने लग जाए, तो जब आप तापमान को और ज्यादा इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, इवापोरेशन की जो प्रोसेस होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको भी इंक्रीज करने पे जो इवापोरेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। अगला जो फैक्टर है आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। पहले इसको समझ लेते हैं कि ह्यूमिडिटी आर्द्रता होती क्या है। जब आप वातावरण में देखते हो तो वातावरण में जो एयर ड्रॉपलेट्स है, सॉरी वाटर ड्रॉपलेट्स है, उनकी प्रेजेंस को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब ह्यूमिडिटी कब ज्यादा होती है, यानी कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है कब ज्यादा होंगे हमारे वातावरण में, जब मौसम ठंडा होगा। और जब मौसम ठंडा होगा तो आपने देखा होगा कि आपके कपड़े जल्दी नहीं सूखते। क्यों नहीं सूखते, क्योंकि वहां पर क्या है, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा, यानी कि पहले से ही जब पहले से वातावरण में एयर वाटर ड्रॉपलेट्स हो या वाटर हो तो उसे क्या जरूरत कि कहीं और से फिर पानी उसके पास है। इसीलिए जब आप आर्द्रता को बढ़ाओगे, यानी इस फैक्टर को जब आप बढ़ाते हो तो इवापोरेशन जो है आपका क्या होता है, वो घटता है। जैसे ही आपकी आर्द्रता वाली फैक्टर बढ़ेगी तो इवापोरेशन क्या हो जाएगा, घटेगा। उसी तरह से अगला स्पीड ऑफ एयर, यानी कि हवा की जो चाल है या गति है उसको आप बढ़ाते हो, तो जाहिर सी बात है जब हवा की चाल बढ़ेगी तो उसके साथ साथ जो द्रव के कण हैं वो साथ साथ चले जाएंगे। जब द्रव के कण साथ साथ जाएंगे तो जो आपका इवापोरेशन है या वाष्पीकरण है ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जब आप वायु की चाल को बढ़ा दोगे तो आपका जो इवापोरेशन है यानी वाष्पीकरण है वो क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ने लगेगा या बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको एक और चीज याद रखनी है कि जो इवापोरेशन है उससे कूलिंग होती है, ठंडक या ठंडा महसूस होता है। जैसे कि आप गर्मियों में पसीने आते हैं, पसीने आने के बाद जैसे ही आपको कुछ हवा लगती है तो आपको कैसा महसूस होता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है। दूसरा एग्जाम्पल कि आपने देखा होगा कि मटके का पानी ठंडा रहता है, ऐसा क्यों, उसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, वो क्या करते हैं, एयर को यानी कि जो बाहर की हवा है, बाहर का जो एनवायरमेंट है उस एयर को अंदर जाने नहीं देते हैं। कह लो कि अंदर की जो ऊष्मा है, अंदर की जो ठंडक है उसको बाहर से बचाए रखते हैं। बस आज के लिए इसी के साथ हमारा 9th क्लास का पहला अध्याय खत्म होता है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग को हम खत्म कर रहे हैं। आपको इसमें कोई भी और दिक्कतें आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।